महरम की मोहब्बत। मैं इस ज़हनी कश्मकश का अंदाज़ा लगा सकता था कि वह बार बार किताब उठाती और वर्क पलटती और बंद करके रख देती। कोई बड़ी उलझन में थी जो सुलझ नहीं रही थी। मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। सोचा जब बेचैनी बढ़ेगी तो खुद सब कुछ बता देगी। इशा की नमाज से फारिग हुआ तो मेरे करीब आ बैठी। अपने उंगलियों को बेचैनी से मोड़ते हुए सर झुकाकर बोली, वो लड़का मुझे अच्छा लगता है लेकिन मुझसे दोस्ती नहीं करता। मैंने पूछा, क्यों नहीं करता वो दोस्ती? तो बोली, वो कहता है ना महरम से दोस्ती नहीं हो सकती, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। मैंने इससे सवाल किया, फिर तुम क्या कहती हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहता है, और भी तो बहुत से लोग हैं क्लास में, सब लड़के लड़कियां आपस में हंसते हैं, बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की, लेकिन वो सबसे अलग रहता है, इसे ये सब कुछ पसंद नहीं, इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है। ठीक, अगर ऐसा है तो फिर इससे पूछ, वो तेरे बारे में क्या सोचता है? अगले दिन कॉलेज से लौटी तो ज्यादा परेशान थी। वो कहता है, किसी को चाहने के लिए सबको छोड़कर सिर्फ एक का होना पड़ता है, और वो ये भी बोला कि मेरे लिए तुम्हारी पार्टियां दोस्तियां सब छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने इसे कहा कि बेहतर यही है कि तू इसे छोड़ दे। अगले दो दिन कॉलेज नहीं गई, तीसरे दिन लौटी तो बिल्कुल निढाल थी। मेरे कांधे पर सर रखकर रोने लगी और बोली, वो कॉलेज छोड़कर चला गया है। इतने ही दिन बेचैन फिरती रही, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, पास बैठाकर कहा, तू जानती है तेरी इस बेचैनी की वजह क्या है? फौरन बोली, आप नहीं जानते क्या? हाँ जानता हूँ, उसने कहा था ना कि किसी एक का होना पड़ेगा। जल्दी से वो बोली, कहा था लेकिन वो तो चला गया, बताए बगैर, मौका दिए बगैर, अगर कुछ मोहलत दे देता तो इसकी खातिर सब कुछ छोड़ देती, अपनी जिंदगी को बदल देती, इसकी खातिर जो तेरे लिए था ही नहीं वो तेरा कैसे हो जाता? इसके लिए बेचैन होना छोड़ दे, इसके लिए बेचैन होना छोड़ दे। वो खामोश बैठी, अपने आंसू पोंछती रही। जरा ये तो बता, तेरी जिंदगी में नमाज रोजा कहाँ खड़े हैं? कुरान किस दर्जे पर है? आखिरी सजदा कब किया था तूने? निदामत से सर झुकाकर रोने लगी। मैंने कहा, सुकून चाहती है तो अल्लाह की हो जा, इससे दिल लगा ले, इसकी चाहत में ढल जा, फिर देख वो तुझे कैसे नवाजता है। वो बोली, ये तो बहुत मुश्किल रास्ता है। मैंने कहा कि यकीन पुख्ता हो तो रास्ते इस्तेवार हो जाते हैं। बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये, वो तो चला गया लेकिन तेरे लिए एक रास्ता खोल गया, अल्लाह का रास्ता, सुकून का रास्ता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा काम करे तो अल्लाह इसकी बुराइयां उतार देगा और इसे बागों में ले जाएगा, जिनके नीचे नहरें बहती हैं वो हमेशा इनमें रहेगा, यानी बड़ी कामयाबी है। अगले दिन फजर के लिए उठा तो वो मुझसे पहले जाए नमाज पर खड़ी थी, टूटकर बिखरी थी, इसलिए गहरी चोट लगी थी। चोट गहरी हो तो दर्द भी शदीद होता है। तड़प कर ऐसा रोई कि ऊपर वाले को इस पर रहम आ गया, इसकी बेचैनी और बेकरारी को सुकून में बदल कर इसे गहरी नींद सुला दिया। आहिस्ता आहिस्ता शोर हंगामे इसकी जिंदगी से दूर होते गए, पार्टियों से बेजार रहने लगी, दोस्तियां सिमट गईं, सुकून और इत्मीनान इसकी रूह में समा गया। अल्लाह ताला ने इसे दीन की समझ अता की, बेशक वो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।